मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पारा शोधन के अगले चरण में आपका स्वागत है। एक आवश्यक सूचना यह देना चाहता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है। ये मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप का साइन लगा हुआ है 7044078597। हिंदी में कहूँ तो 70440 78597 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो ये इसी पर मैसेज करें आप, पुराना नंबर बंद हो चुका है। और एक आवश्यक सूचना और, मैदे मसाने की गर्मी की दवा के बारे में भाई लोग पूछ रहे थे। तो देखिए ऐसा है, ये है मैदे मसाने की गर्मी वाली दवा। ये गर्मी में ही बनती है क्योंकि गर्मी में धूप की कमी नहीं रहती है। बट अर्जेंट था भाइयों को तो मैंने इसलिए अभी मैं बना रहा हूँ। तो 15 नवंबर को मैंने काम ये स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा है कि धूप की कमी के कारण ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अभी 15-20 दिन और लगेंगे। तीनों तरह का रस इसमें जज्ब कर दिया गया है, कमल के फूल का रस, जंगली कुंदरू का रस और मूली का रस। ये तीनों जो है इसमें जज्ब हो चुका है, सूख भी रही हैं। जब बिल्कुल सूख जाएंगी फिर जाकर के आगे का प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। इसके दो वीडियो फाइनल डालूंगा, एक इसको कुश्ता कैसे करना है और लास्ट का वीडियो होगा कि आप लोगों को बुकिंग कैसे करनी है। पाराशोधन को मैंने दिखा रखा था, तो ये देखिए पारा निकला है हमारा। डोला यंत्र से मैंने निकाला है, डोला यंत्र करने के बाद मैंने डमरू यंत्र से उड़ा लिया था पारा। तो लगभग मैंने 1/2 kg पारा लिया था, तो ये अभी 335 ग्राम समथिंग पारा हमारे पास मिला है, चमक रहा है और अपने तमाम दोषों से मुक्त। अब इसे आगे के दोष से मुक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दें यहां पर, यह है गेरू मिट्टी। लाल मिट्टी भी कहते हैं, गेरू मिट्टी भी कहते हैं। गेरू मिट्टी लेंगे, जितना पारा का वजन अभी निकला है उससे 16वां भाग। तो अभी लगभग 335 ग्राम पारा है, तो इसका 16वां भाग लगभग लगभग आपका 53.5 ग्राम होगा। तो ये उतना है 53.5 ग्राम, ये 53.5 ग्राम राई। इस पे मैं लास्ट में आता हूं। ये है गुड़ 16वां भाग, ये है सेंधा नमक 16वां भाग, ये है दही 16वां भाग। इन सबको हमें डाल करके खरल करना है, और जब 3 दिन इसकी खरल चलेगी, ठीक है, फिर जा करके क्या होगा कि इनमें अंदर जो तत्व हैं, जो धातु और अधातु हैं, वो पारे के अंदर से अपने साथ रिएक्ट करने वाले तत्वों को खींच लेंगे और कांजी से, गर्म कांजी से धोकर के इन्हें निकाल देंगे। 3 दिन खरल चलेगा। उसके बाद ये है हमारा सज्जी खार, ये है हमारा बेकिंग सोडा, खावर सोडा जिसे बोलते हैं, ये है नीला थोथा। इन तीनों का चूर्ण बना करके और पानी में घोल करके फिर उससे खरल करेंगे हम पारे को लास्ट में, और उसके बाद नमक से खरल करेंगे। ये हमारा एक संस्कार होगा, उसके बाद फिर सब में अकेले अकेले करेंगे खरल। फिर करेंगे गुड़ में, सीधा नमक में, दही में, राई में, गेरू मिट्टी में, और अकेले अकेले खरल करके निकाल लेंगे। फिर जाकर के यही पारा हमारे आगे की जो सन्यासी नुस्खा उसमें भी पड़ेगा, और जो मैं संख्या वाली दवाई बना रहा हूं उसमें भी पड़ेगा। एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो मैदे मसाने वाली गर्मी की दवा है, ये जब आएगी उसके कुछ दिन बाद ही संख्या वाली दवा भी आ जाएगी, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। अब मैं इसमें मिलाता हूं, अभी मैं 16वां भाग मिला दे रहा हूं, फिर सब मैं अकेले अकेले करूंगा। ये हमारा गिरु मिट्टी, दूसरा राई, 16वां भाग, गुड़ 16वां भाग, सेंधा नमक 16वां भाग, और ये दही 16वां भाग। अब इसे हमें खरल करना, इस प्रकार इसकी 3 दिन खरल चलेगी। इस प्रकार मित्रों पारे का शोधन होता है, जो पारा न सिर्फ नामर्दी को दूर करता है शरीर के अंदर की हर कमी को दूर करता है।